बोला ना दोस्तों, एकदम ही सहेक से भरा हुआ देश है, जो कि यहाँ पर आप फ्री में कर सकते हैं, है ना कमाल के। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो? आज कुछ एकदम सा नया लाया हूँ, जो कि देखने के बाद आपको दिल दहलने वाला है। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए। आज हम इंडिया टू ट्रेवलिंग इन लैंडिंग ब्राज़ील। ब्राज़ील एक दक्षिण अमेरिका का प्रवासी देश है, जो कि आप सब तो जानते ही होंगे। ब्राज़ील एकदम सी सच बात बदल दी, बात बदल दी। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना और मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, तो लाइक जरूर करना। तो दोस्तों एक ऐसी ब्राज़ील, एक बार आप चले गए तो फिर आने का मन नहीं करेगा। जो कि ब्राज़ील एक गर्ल देश है, जो कि ब्राज़ील एक क्षेत्रफल देश है, जो कि दुनिया में चौथा नंबर पर आता है। ब्राज़ील का कुल क्षेत्रफल 83,22,733 है, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। दोस्तों दोस्तों है ना इंटरेस्टिंग, कैसी लगी? जो कि 1822 में इसका स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इससे पहले बता देना चाहता हूँ, ब्राज़ील एक ऐसे देश है जहाँ जाने तो बहुत पानी को थोड़ा सा मेरे को नहीं करेगा, क्योंकि ब्राज़ील एक मॉडलिंग देश है। उस देश में रहने के लिए आपको कितने रुपयों की खर्च करनी पड़ेगी, आप तो खुद सोच सकते हैं। दोस्तों एक और बात बता देना चाहता हूँ, दोस्तों इस देश की बात ऐसी है, इस देश में आपको हर एक जगह ये ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ब्राज़ील है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों? दोस्तों एक और बात बता देना चाहता हूँ, जो कि ब्राज़ील एक पैसों वाले के देश है, जिसको पास अगर ज़्यादा कैश है तो ब्राज़ील एकदम परफेक्ट देश है। ब्राज़ील में आप आराम से अपना सारा जिंदगी और सारा लाइफ बिता सकते हैं, क्योंकि यहाँ गर्ल जो रहती है, गर्ल इतनी इंटरेस्ट होती है कि गर्ल के सामने कोई भी देश फीका पड़ जाता है। तो दोस्तों ये तो ब्राज़ील एक गल ही देश है, जो कि यहाँ पर आपको रैग प्रकार के गल देखने को मिलेगा। तो है ना इंटरेस्टिंग? तो दोस्तों यहाँ पर आपको रैग प्रकार की माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगा, जो कि कोई भी देश का माउंट एवरेस्ट ही टूरिस्ट को खींच लाता है। इतना माउंट एवरेस्ट आपको देखते ही देखते नींद में खो जाएगा। दोस्तों ब्राज़ील एक प्राचीन काल से खूबसूरती से बना हुआ है, जो कि ब्राज़ील हर एक प्रकार की आपको ब्राज़ील में देखने को मिलेगा। सो कि इतना इंटरेस्टिंग देश, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादातर माउंट एवरेस्ट
बेस्ट साइड में देखने को मिलेगा। और एक और बात बता देना चाहता हूँ, इस देश में जाने से पहले ज़्यादातर आपको अमाउंट लेकर चलना होगा। ये ऐसी देश पैसों की कोई कोई वैल्यू नहीं है। तो समझ में आ गए दोस्तों, ब्राजील ऐसी है, यहाँ पर हर एक प्रकार की हरियाली ही हरियाली नजर आता है, क्योंकि ब्राजील के बहुत ही ऐसे क्या बात है भाई, तो अच्छी लगी ना। दोस्तों एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, इस गांव में इतनी खूबसूरत खूबसूरत प्लेस आपको रूबरू देखने को मिलेगा, जो कि ब्राजील की खूबसूरती है। तो कैसी लगी दोस्तों, अगर आपको नाइट व्यू दिखाया जाए तो कैसा लगेगा, अच्छी लगेगा ना दोस्तों। तो ब्राजील में आपको नाइट व्यू घूमने में काफ़ी मज़ा और काफ़ी ज़्यादा एवज मस्ती से भरा, और हर एक प्रकार के आपको नाइट में थोड़ी जैसे लाइट भी नज़र आएगा, क्योंकि पड़ोसी जो है अमेरिका का, अमेरिका और ब्राज़ील दोनों का दोस्ती एकदम ब्रदर जैसी है। कैसी लगी दोस्तों, दोस्तों हम अगर रात को घूमते हो तो हमारे यहाँ तो डर ही लगती है, लेकिन एक से ऐसी जगह जहाँ पर आप रात को या दिन को भी कहीं पर बिकल से आ जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, जो कि हमारे यहाँ तो कान व्यवस्था थोड़ा सा ढीला है नेताओं की वजह से। तो दोस्तों एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, दोस्तों ये कमरा जो दिख रहा है ये कमरा नहीं, 5-स्टार होटल से भी कम नहीं है, जो कि इसका एक मंथली चार्ज 50,000 रुपीज़ से भी ज़्यादा मारता है ना कमाल के दोस्त। बुक करने की जगह ब्राज़ील एकदम परफेक्ट जगह है दोस्तों, यहाँ पर आपको एकदम शांति सा माहौल और बहुत सारा आपको सरप्राइज गिफ्ट भी करते हैं दोस्तों। एक और बात बता देना चाहता हूँ, ब्राज़ील ऐसे एक देश है जहाँ पर मौसम एकदम अच्छी और सुहानी देखने को मिलेगा, मौसम भी इतना अच्छा कि कभी ठंडी कभी गर्मी कभी बारिश, एकदम परफेक्ट सी मौसम दोस्तों वहाँ देखने को मिलता है। कैसी लगी दोस्तों, क्या बात है भाई। दोस्तों बैठ के बुक करने में काफ़ी मज़ा आता है, आप तो जानते ही होंगे, और बुक के तो बहुत ही एक से एक स्टोरी पढ़ने में, वो भी शांति जगह पर, इतना मज़ा आता है। दोस्तों बताया था ना पहले, यहाँ पर ही गली ही गला आपको नज़र आएगा, जो कि ब्राज़ील है। ब्राज़ील में प्रोस्कॉम मेला ज़्यादा देखने को मिलता है। कैसी है दोस्तों आपकी फार्म हाउस किसी शांति सा जगह पर, वो भी चौड़ी में देखने को मिलेगा, कैसा लगेगा हमें अपने कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों यहाँ पर जब रात होता है तो वहाँ पर सुबह होता है, जो कि उल्टा हमारे यहाँ रात होता है तो उसके तरफ सूरज निकलता है ना कमाल के देश। दोस्तों एक और बात जानते हो, हमारे यहाँ तो सूरज को देवता माना जाता है, उसे सूरज दिवस मनाया जाता है, जो कि ब्राज़ील में भी सूरज दिवस को मनाया जाता है। कैसी लगी मेरी बात, क्या बात है भाई। दोस्तों हर तरफ हरियाली हरियाली, एकदम सा भरा सा हुआ फील्ड आपको देखने को मिलेगा, है ना कमाल के देश। दोस्तों 24 घंटा आपको रेस्टोरेंट खुलने और हर एक प्रकार के खाने को मिलेगा, है ना कमाल का। दोस्तों यहाँ के शहर भी काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी ब्यूटीफुल देख मिल जाएगा, क्योंकि शहर के ड्रोन की जगह सीन लिया जाए तो इतनी मस्त और इतनी अच्छी लगती है कि देखने से फिरती है ना कमाल के।
दोस्तों ड्रोन से तो कोई भी शहर गजब लगती है, उसकी धरातल आप देखिएगा चौंक जाइएगा। दोस्तों एक और बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर भी ट्रैफिक कोई दिक्कत नहीं है, जो कि आपको हर एक जगह पर तेज देखने को मिलेगा। दोस्तों शहर की मॉडल ऐसी, इसके सामने पैरस भी फैल है, जो कि इस तरह की शहर है, जो कि यहाँ पर हर एक प्रकार के आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, और प्रोडक्ट भी काफी मस्त और काफी अच्छा इस शहर में मिलता है। आप कोई भी सामान बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस शहर में आप रात या दिन कर कभी भी जाइएगा, आपको हर एक प्रकार के सामान आराम से मिल जाएगा, है ना कमाल के शहर। दोस्तों हमारे देश के तरह ये लोग भी आजादी लड़े थे, काफी महंगा शहर था इस शहर के लिए, तो शहीद हुए, लेकिन आखिरकार शहर को बचा ही लिया, है ना कमाल के। दोस्तों इस शहर ब्राजील का सबसे बड़ा शहर है, जो कि इस शहर में आपको हर एक प्रकार की एक पे एक हर एक चीज देखने को मिलेगा, और ब्राजील का सबसे बड़ा शहर में यही माना जाता है। तो अगर इस देश का फूलों का शहर बोला जाए तो लेकिन एकदम सच है, क्योंकि इस देश में इतना सारा फूल कि आपको हर एक प्रकार को फूल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं पर ख़त्म करते, और बताना कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और दोस्तों एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, डिजिटली इंडिया घूमना चाहते हो चाहे कोई भी देश,